भी अच्छा रिकॉर्ड आपने बात भी करी थी उनचालीस हजार तक आने की डाउट की लग रहा है उस डायरेक्शन में दो दिन में पौने तीन सौ अंकों की तेजी बिल्कुल लग रहा है लगना चाहिए और जोर से लगना चाहिए मजबूती से लगना चाहिए लगेगा ही इसमें कोई डाउट नहीं दिल्कुल है, दिल्कुल नहीं। है। नहीं। आ, और ये अब अब तो कह सबको लग सकता है लेकिन हमें तब लग रहा था जब किसी को नहीं लग रहा था कि ये पहुंचना है अड़तीस से उनचालीस हजार की रेंज में और दीप देखिए संकेत एकदम क्लियर कट है और आपको याद होगा दिवाली की दिन की जो मेरी कमेंट्री थी उस समय मूड माहौल उतना अच्छा नहीं था बढ़िया था लेकिन इतनी तेजी वाला नहीं था तब हमने कहा कि जिस दिन आपको अमेरिका में ब्याज दरें कमजोर होने के कम कम होने के संकेत मिलेंगे अमेरिकी बाजार पकड़ में नहीं है। पकड़ में नहीं आएंगे और पहला जो फेड की मीटिंग के बाद जो डिसीजन आया उसके बाद आप देखिए रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है और कल भी हम जिस चीज की बात कर रहे थे कि आपको तेजी दो तरीके से देखने देखनी चाहिए क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वानिटेटिव तेजी की बात करता हूँ चार दिनों से लगातार अमेरिकी बाजार ऊपर बंद हो रहे हैं नजदीक लगातार ऊपर बंद होता दिख रहा है डाउ ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया कल जो लेवल आप देख रहे हैं इतिहास में पहली बार डाउ पर आए लाइफ टाइम ठीक हमारे बाजार की तरह डाउ भी लाइफ टाइम हाई पर है एस मुश्किल से आधा परसेंट भी नहीं है लाइफ हाईपर के नजदीक आ गया है रसेल में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है यानी कि ब्रोड बेस रैली है यह अमेरिकी बाजारों की और अमेरिकी बाजारों में दिन की सुख शुरुआत होती है दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते हैं यही ट्रेंड अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है और दिन की ऊंचाइयों पर बंद होने का मजा लगी है कि आप कल को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है तब जाकर आप दिन, दिन के हाई पर बंद होते हैं दो ही वजह से आ, आ, मार्केट दिन के हाई पर बंद होता है एक आप कल को लेकर बड़े उत्साहित है और दो आपने ऐसे शॉर्ट पोजीशन बनाए

डाओ फ्यूचर आजकल तस्वीर दिखाते ही नहीं है एक एक इंटरेस्टिंग चीज है आपने आज जरा डाओ डाओ फ्यूचर्स देखिए दिखाई आज डाओ फ्यूचर सर अड़तीस हजार के ऊपर आपको दिख रहे हैं थोड़ा और डिटेल सिंगल -सिंगल में मतलब आप mm. तो काम बढ़ा रहे हैं अमेरिकी बाजार को लेकर नहीं लेकिन हाँ ऑब्जर्वेशन अच्छा है की फ्यूचर पे आप अड़तीस हजार के पार निकल रहे हैं तो मेरा पॉइंट की कल फ्यूचर्स कुछ नहीं कर रहा था हाँ कल कल परसों आप देखिए फ्यूचर से आपको सही तस्वीर मिली नहीं जी है ना हुँ. और शायद फ्यूचर्स पे ट्रेड करने वाले वो ट्रेडर्स होते हैं ज्यादातर फंड मैनेजर्स या इन्वेस्टर्स के अलावा और वो छुट्टियों के मूड में ज़्यादा है इसलिए एक्शन वहां कम है हुँ. लेकिन उसके विपरीत क्वांटिटेटिव जो तेजी बन रही है डाउ में कमाल की है और चौतरफा तेजी चौतरफा ये, ये सबसे बड़ी बात है दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है डॉलर इंडेक्स और साथ ही साथ बौन बॉन्डी देखो इक्विटी में अमेरिका में तेजी सीधे सीधे बॉन्डिल से कनेक्ट कर लीजिए ठीक है मॉन्डिल गटते ही वहाँ पर सिंपल सा नज़र आता है कि भाई ब्याज दरें घट रही है इक्विटी मार्केट में तेजी और ये गट के अब चार परसेंट से नीचे छोड़िए तीन पॉइंट नाइन परसेंट था थ्री पॉइंट नाइन परसेंट था तीन पॉइंट नौ प्रतिशत वहाँ से थ्री पॉइंट एट परसेंट आ गए और दस बेसिस पॉइंट घट गए यस फेड कब काटेगा का भगवान जाने अमेरिका के बॉन्ड मार्केट ने तो ब्याजरे घटाई दी ठीक है अब दूसरी चीज ये तो अमेरिका को फायदा होता है बॉन्ड बाउंड्रीज घटने का उनका डायरेक्ट कनेक्शन है दुनिया भर को फायदा क्या होता है आपको हमको पूरी दुनिया को हमें फायदा होता है डॉलर की कमजोरी का जब डॉलर कमजोर होते हैं तो बाकी दुनिया भर की करेंसी थोड़ी बेहतर होती है मेटल्स मजबूत होते हैं गोल्ड मजबूत होता है हमारे मार्केट थोड़े से बेहतर होते हैं यस आप देखिए जो कल फिर से डॉलर इंडेक्स में कमी आई है वो भी बहुत बढ़िया है hmm. आ, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे 101 के नीचे भी आप इतना तेज़ी से और इतना जल्दी जाएंगे ठीक है लोगों को लग रहा था एक सौ से जो डॉलर इंडेक्स बढ़ा hmm. था वापस नीचे आए वहीं रुक, वही रुक जाएंगे है ना हाँ. उसके नीचे सेम बॉन्ड बाउंड्री में ये लगा फोर के आसपास रुक है ये तो देखिए थ्री पॉइंट एट हो गया ये देखिए एक सौ एक के नीचे हो गया सो आई थिंक जो चीज़ें बदल रही है वो बड़ी तेज़ी की ओर इशारा कर रही है वो बड़ी तेज़ी की ओर इशारा कर रही है सो आई थिंक अमेरिका में भी ऑल इज वेल ऑल इज वेल इससे बढ़िया संकेत तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं क्वालिटी वाइज क्वान्टिटी वाइज तो फिर टू तो ग्रीडी टू ग्रीडी, 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 ग्रीडी जो मिल रहा है ईश्वर की कृपा समझ गए लेते रहिए लेते मैंने